अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ न्यूबॉर्न बेबी थीम केक शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी वे में बन जाएगा, साथ ही साथ इसके फोंडेंट टॉपर्स कैसे बनेंगे, कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे, बेबी मोल्ड कैसे यूज़ करते हैं कि वो जब हम मोल्ड को यूज़ करें तो फोंडेंट का जो बेबी निकलेगा वो डैमेज ना हो, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप इसको फ्लैट केक पर, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरे पास 2 पाउंड का वनीला स्पंज है तो मैं फ्लैट केक बना रही हूँ, तो हम इस केक को और इस थीम को फ्लैट केक पे किस तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप बिगनर्स हैं और ऑर्डर वर्क करना चाहती हैं, या अगर ऑर्डर वर्क नहीं करती घर के लिए बनाना चाहती हैं, तो बहुत ही इजी वे में बन जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 पाउंड का वनीला वेलवेट स्पंज लिया है, ठीक है। और ये केक मुझे बहुत जल्दी में बना के देना था और मेरे पास टाइम काफ़ी कम था। वक्त की कमी के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पतीले में ये स्पंज बहुत ही अच्छा सा बना है, हाइड्रेट बना है और बहुत ही मॉइस्ट सा बना है। तो मैंने यहाँ पे 2 पाउंड वनीला वेलवेट स्पंज की रेसिपी फॉलो की है, रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 8 इंच पैन में मैंने बनाया है बग़ैर अवन के। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके स्पंजेस बग़ैर अवन के बहुत ही अच्छे और हाइड्रेट बने, फ्लफ़ी से बने, मॉइस्ट से बने और इनका टेक्सचर देखिए बहुत ही वेलवेटी सा है, तो उसके लिए आपको एग साइज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। एग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है एग साइंस, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो करेंगे, रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बहुत कम टाइम था तो मैंने यहाँ पे स्पंज की 3 लेयर्स की हैं, यूजली मैं 2 लेयर्स करती हूँ। 3 लेयर्स करने का मकसद ये है कि सोकिंग के लिए ना जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने शुगर सिरप ही यूज़ किया है सिंपल, तो वो अच्छे तरीके से स्पंज में रच बस जाए, जल्दी जल्दी में ये ना हो कि मैं कम सोक करूँ और स्पंज जो है वो अंदर से ड्राई रह जाए। और वनीला फ्लेवर था तो बस सिंपल मैंने क्रीम लगाई और थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड किए और इसको अच्छे तरीके से मॉइस्ट करने के बाद मैं इसकी कर दूँगी क्रम कोटिंग, और क्रम कोटिंग करने के बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। अच्छा, आज यहाँ पे मैंने क्रम कोटिंग करने के बाद इसको फ्रिज में नहीं रखा क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मुझे फोंडेंट टॉपर्स भी बनाने थे, तो मेरा यही था कि बस अभी मैंने इसको रफली जो है ना मैंने क्रम कोट किया है, लेकिन इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रेस्ट नहीं दूंगी। साथ ही मैंने ना फाइनल फ्रॉस्टिंग कर ली है, वो इसलिए की है कि जब ये फ्रिज में ओवरऑल केक सेट होने के लिए रखूंगी तो उतनी देर में मैं फोंडेंट टॉपर्स बना लूंगी, तो जितनी देर में फोंडेंट टॉपर्स बनेंगी क्रीम अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। और मेरे पास हार्डली 1 से 1.5 घंटा था तो बस मैंने ये हड़बड़ी में ये काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह केक बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया था, क्योंकि क्रीम जो थी वो अच्छे तरीके से मैंने हार्ड व्हिप की हुई थी तो वो फौरन सेट हो गई, ठीक है। केक की मैंने फाइनल फ्रॉस्टिंग भी कर ली। अब आ जाते हैं यहाँ पर फोंडेंट टॉपर्स बनाने के लिए। तो फोंडेंट से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो शेयर की, एक नहीं बल्कि 2 वीडियोस शेयर की हुई हैं, तो उनके लिंक्स भी आपको मैं अब जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रेडीमेड फोंडेंट ली है और बाकी मैंने गम पेस्ट बनाया है आइसिंग शुगर और लिक्विड ग्लूकोज से, तो बस उनको मैंने मिक्स किया और इसमें मैंने टाइलोस पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल वाइट फोंडेंट को रोल किया है, जो मैंने गम पेस्ट बनाई थी ना उसको रोल किया है, और यहाँ पे मैंने सनफ्लावर प्लंजर की मदद से यहाँ पे कुछ फ्लावर्स निकाल रही हैं। यहाँ पे मैं आपको प्लंजर दिखा रही हूँ, ये मैंने बेक हाउस से लिए थे, काफ़ी अर्सा पहले लिए थे और ये काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इससे टॉपर्स जो हैं वो बहुत ही नीट निकल आते हैं। तो बस आपने क्या करना होता है, प्लंजर को इस तरीके से इंसर्ट करना होता है और जब वो निशान आ जाते हैं, कट लग जाता है, तो फिर हम इसके बैग से इसके बटन को पुश करते हैं जिससे जो भी फ्लावर होते हैं, जो भी टॉपर होते हैं वो निकल आते हैं। और मैंने कुछ ब्लू बनाए हैं, कुछ वाइट बनाए हैं, तो मैंने इस तरीके से ब्लू और वाइट फ्लावर्स को आपस में पेस्ट कर लिया है क्योंकि ये मुझे डबल शेडेड फ्लावर्स ही बनाने थे जो रेफरल पिक्चर थी। अच्छा, जहाँ पे मैंने एग ट्रे ले ली है, फ्रिज से निकाल ली थी, इसको मैंने अच्छी तरीके से धो भी लिया था और इसको ड्राई करने के बाद अब मैं इस एग ट्रे पे लगा रही हूँ कॉर्नफ्लोर, क्योंकि मुझे थोड़े से कर्व शेप में फ्लावर्स चाहिए थे। ये जो मैंने सनफ्लावर्स बनाए हैं ना छोटे वाले, ये मैंने नंबर 2 वाला जो साइज़ होता है उससे मैंने ये बनाए हैं,
तो यहाँ पे अब मैं सेंटर से ना इसके ब्रश से इसको पुश करूँगी तो ये थोड़े से ऊपर की तरफ उभर आएंगे, तो उनकी बहुत ही प्यारी सी एक शेप आ जाएगी। जैसे जैसे इनको हवा लगती जाएगी तो ये थोड़े से नीचे से उभरे हुए होंगे, इस तरीके से होंगे। सेंटर से ये बैठे हुए होंगे और साइड से ये उभरे हुए होंगे, तो ये इस तरीके से मुझे फ्लावर्स चाहिए थे, इसलिए मैंने इसको इस राउंड शेप ट्रे में ही रखा है ताकि इसकी प्यारी सी शेप आ जाए। तो आप लोग लाजमी वो वीडियो देखिएगा, मैंने आइसिंग शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, कॉर्नफ्लोर और टाइलर्स पाउडर की मदद से मैंने गम पेस्ट बनाई है, साथ ही मैंने थोड़ी सी फोंडेंट ऐड की है ताकि उसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ सा हो जाए। तो आप लोग इस तरीके से बनाएं। इस तरीके से करने से क्या होगा कि ये जो टॉपर्स होते हैं आधे घंटे के अंदर अंदर ड्राई हो जाते हैं। अगर थोड़े से बड़े टॉपर्स हैं तो उनमें 45 मिनट या एक घंटा लग जाता है, लेकिन जैसे ये आप मैं आपके सामने छोटे छोटे से टॉपर्स बना रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिप्स बना रही हूँ, जैसे मैंने फ्लावर्स बनाए, वो आधे घंटे के अंदर अंदर ही ड्राई होके सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और क्रीम केक पे ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स भी हो जाते हैं। तो पहले मैंने ब्लू और वाइट कलर की जो स्ट्रिप बनाई थी वो थी बेसिकली इंचेस टेप, और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ बैनर, छोटा सा एक बैनर बनाना है जिसपे मैंने बच्चे का नाम लिखना है और साथ में मैंने वेलकम मेंशन करना है। तो बस आप लोग भी इस जुगाड़ी गम पेस्ट को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास इन्ग्रीडियंट्स नहीं हैं तो बेक हाउस से टाइलर्स पाउडर और लिक्विड ग्लूकोज, आइसिंग शुगर सब मिल जाता है, और आइसिंग शुगर आपने बाजार वाली ही यूज़ करनी है, यानी कि अपने घर पे जो पीसी हुई चीनी होती है उसको यूज़ नहीं करना, उसके रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते। इस तरीके से करने से ये कि टॉपर्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और देखिए अब मेरा ये बहुत ही इमरजेंसी वाला केक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी से ये टॉपर्स सेट हो गए थे तभी मैंने ये ऑर्डर ले लिया। यहाँ मैं आपको न्यूबॉर्न बेबी मोल्ड यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। आपने इस मोल्ड को ऑयलिंग कर लेनी है ब्रश की मदद से, और अच्छे तरीके से ब्रश से ऑयलिंग करनी है। छोटे छोटे इसमें कट्स होते हैं आइज़, ईयर, नोज़ के, तो वहाँ पर भी आपने ज़रूर ऑयल लगाना है। और मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट जो ली है, गम पेस्ट ली है, उसमें वन ड्रॉप ब्राउन कलर ऐड किया है और एक छोटी सी बॉल ली है, और इस तरीके से मैंने इंसर्ट करके रोलिंग पिन से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि आईज, नोज, ईयर वगैरह के जो इम्प्रेशंस हैं वो अच्छे तरीके से फॉन्डेंट पे आ जाएं। और जितनी भी ऊपर से एक्स्ट्रा फॉन्डेंट होती है मैं स्क्रैपर से कट करती हूँ, स्क्रैपर से बिल्कुल इवन कट होती है, आपने किसी भी नाइफ वगैरह से कट नहीं करना, स्क्रैपर से करिएगा स्मूथ, क्योंकि ये सिलिकॉन मोल्ड बहुत नाजुक होते हैं तो वो ख़राब हो सकती हैं। और आपने बैक साइड से सिलिकॉन मोल्ड को पुश करना है तो ये बहुत ही इजीली डी मोल्ड हो जाता है। और देखिए इसके आईज, नोज़ वगैरह सब कुछ प्रॉपरली इसके जो इम्प्रेशंस हैं वो पड़ चुके थे, तो आप लोगों ने इसी तरीके से इसको यूज़ करना है। तो बस मैंने इसको छोटी सी निकर पहना दी थी और हल्के हल्के से मैंने जो है ना एडिबल मार्कर से इसके हेड पे निशान लगा लिए थे ताकि वो हेयर्स की एक लुक आए। और यहाँ पे इंचेस टेप पे मैंने मार्किंग कर दी थी, नेम भी लिख दिया था, और यहाँ पे मैंने कैलेंडर बनाया था, स्टार कटर मैंने यूज़ किया था और स्टार प्लंजर भी है। छोटे छोटे जो स्टार आपको नज़र आ रहे हैं ये जो ये प्लंजर है, और जो बड़े स्टार्स में भी अभी लगाऊंगी तो वो कटर था, ये भी मैंने सब कुछ बेक हाउस से ही लिया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एडिबल मार्कर का यूज़ किया है, और एडिबल मार्कर मेरा जब थोड़ा सा ड्राई हो गया था तो मैं इसको डायरेक्ट जो है लिक्विड कलर जो ब्लैक कलर है उसमें डिप करती हूँ, तो इस तरीके से मैं इसको लिख लेती हूँ। और ये टॉपर्स के ऊपर जो मैंने राइटिंग की थी तो उनको ड्राई होने के बाद ही इसकी राइटिंग की थी, और ये आधे घंटे के अंदर अंदर ड्राई हो भी गए थे, एक भी अच्छे तरीके से सेट हो गया था। और यहाँ पे अब मैं सारी चीज़ों को फिक्स कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ, तो होपफुली आज की वीडियो भी आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। कुछ ना कुछ तो आपको गाइडलाइन मिली ही होगी फोंडेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और इस तरीके के अगर अर्जेंट ऑर्डर आ जाएँ तो आप लोग घर पे ही फोंडेंट गम पेस्ट बना लिया करें, फोंडेंट टॉपर्स इजीली सेट हो जाते हैं। और ये देखिए फ्लावर्स की शेप देखें कितनी प्यारी आई है, उभरे उभरे हुए से फ्लावर्स हैं, तो बस इनको भी मैंने निकाल लिया था उसी ट्रे में से और इसको सेट कर लूँगी, इसके ऊपर बेबी को भी सेट कर लूँगी, वो आपके सामने ही है। तो आपने बताना है कि आज की वीडियो और ये केक आपको कैसा लगा है, और अगर आपका कोई भी सवाल है फोंडेंट से रिलेटेड, कम्पीज से रिलेटेड,
तो भी आप ज़रूर बताइएगा। मेरी एक फॉलोअर भी हैं, मेरी एक स्टूडेंट भी हैं, मेरी एक फेलो बेकर भी हैं, मतलब वो सब कुछ हैं और उन्होंने मेरी ये गम पेस्ट वाली रेसिपी ट्राई की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो उनका कमेंट भी आएगा इंशाल्लाह, तो ज़रूर बताइएगा मीनू केक्स एंड बेक्स के आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस चीज़ को बताया वो सेटिस्फाइड हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।